अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन बादामी की बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिकन बादामी बनाने के लिए बोल में डालेंगे 1/3 कप दही, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लेंगे, इसे साइड में रख देंगे। पेस्ट तैयार करने के लिए हमने लिया है 25 बादाम, जिसे भिगोकर इसके छिलके निकाल लेंगे। साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून खसखस, इसे भी हमने कुछ देर के लिए भिगो दिया था। अब इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। खसखस और बादाम का पेस्ट तैयार है, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। आंच को तेज रखेंगे और पैन में डालेंगे 1/2 कप देसी घी और इसे गर्म कर लेंगे। इस रेसिपी को देसी घी में बनाने से इसका फ्लेवर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चिकन बादामी बनाने के लिए हमने लिया है 800 ग्राम चिकन और चिकन को तेज आंच पर ही हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाने पर इसे बाहर निकाल लेंगे। बची हुई घी में हम ऐड करेंगे 3 बारीक चॉप की गई प्याज और इसे भूरा होने तक पकाएंगे। प्याज भूरा हो गया है, अब हम आंच को स्लो कर लेंगे और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मिनट भून लेंगे। अदरक लहसुन के भून जाने पर डालेंगे दही के साथ मिक्स किया गया मसाला। नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। मसाला भून जाने पर ऐड करेंगे फ्राई किया गया चिकन। चिकन को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर करीब 15 मिनट तक पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तेल सेपरेट हो गया है और चिकन भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और खसखस का पेस्ट, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे ढककर 8 से 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएंगे।
बादामी लगभग तैयार है। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा नहीं चाहिए तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 स्लिट की गई हरी मिर्च और धनिया पत्ता डालकर इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। ग्रेवी को बराबर करने के लिए 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे तेज आंच पर उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आने पर डालेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 कप के करीब क्रीम ऐड करेंगे और आंच को बंद कर देंगे और क्रीम को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। गार्निश के लिए डालेंगे स्लाइस किया गया बादाम। चिकन बादामी सर्व के लिए तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।